अभी तक आपने देखा वुमेन स्कैनर में कि हुआ फैंग यान से बोलती है कि वो उसकी बहन से प्यार करती है और वो यान को मारना चाहती है। फिर हुआ फैंग बोलती है, चुप हो जाओ, मुझे लड़की पसंद है तो क्या हुआ। फिर यान बोलते हैं, मुझे कमज़ोर मत समझो। फिर यान अपने इन एन यांग पेनिट्रेशन विजन से लड़की के आने वाले पंच को देख लेता है और बोलता है, तुम्हारे आने वाले मूव्स को मैंने पहले ही देख लिया, तुम बहुत ही कमज़ोर हो। फिर यान अपने पेनिट्रेशन विजन की मदद से उसके आने वाले किक से बच जाता है। फिर हुआ फैंग अपने मन में सोचती है, क्या वो मेरे मूव को पहले ही देख लिया। फिर यान कैनन फिश बनाते हुए हुआ फैंग की ओर मारने लगता है। फिर हुआ फैंग ब्लॉक करते हुए अपने मन में सोचती है, ये बहुत ही ताकतवर है, मैं इसको रोक नहीं पा रही हूँ। फिर यान कैनन फिश की बरसात कर देता उस पर। फिर हुआ फैंग अपने मन में सोचती है, ये लड़का अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो गया, इसके पास बहुत ही सीक्रेट है लग रहा है। फिर यान हुआ फैंग को बोलता है, आ जाओ, तुम मेरी बहन को नहीं ले पाओगे। फिर हुआ फैंग अपने मन में सोचती है, मैं तो मजाक कर रही थी, क्या ये इसे सच मान लिया। फिर अचानक से उसकी बहन बोलती है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो यान। फिर यान नीचे की ओर देखता है और बोलता है, बहन। फिर किंग यान से बोलती है, वहाँ बहुत खतरा है रात के वक्त, नीचे आ जाओ तुम। फिर यान बोलते हैं, नहीं वो लड़की तो। फिर हुआ फैंग की ओर यान देखता है और वो अचानक से गायब हो जाती है और यान बोलते हैं, वो कहाँ गई। फिर अचानक से हुआ फैंग खिड़की के बाहर आती है और यान से बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रात के वक्त यान। फिर यान हुआ फैंग से बोलते हैं, तुम अंदर कब गई। फिर हुआ फैंग बोलती है, क्या तुम मुझे देख रहे थे जब मैं शावर ले रही थी। फिर यान बोलता है, क्या। फिर यान बोलता है, बकवास, मैं तुम्हें झांक नहीं रहा था। फिर यान अपने मन में सोचता है, ये लड़की कितनी अच्छी है एक्टिंग में। फिर क्विंग एक पत्थर उठाते हुए यान को बोलती है, तुम क्या सोच रहे हो क्या करने की। फिर यान घबराते हुए बोलता है, बहन मैं कुछ नहीं कर रहा था, मेरी बात सुनो, ये लड़की। फिर क्विंग यान को पत्थर मारते हुए बोलती है, नीचे आओ तुम, और यान वहाँ से गिर जाता है। फिर यान क्विंग से बोलता है, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। फिर क्विंग यान को घसीटते हुए बोलती है, चुप हो जाओ और जाओ जाके सो जाओ। फिर यान अपने मन में सोचता है, लड़की लोग कितनी डरावनी होती है। फिर हुआ फैंग अपने मन में सोचती है, इंटरेस्टिंग, वो क्या छुपा रहा है। फिर यान नीचे आते हुए बोलता है, मैंने पूरी रात अपने बहन से लेक्चर सुना और सही से सो नहीं पाया, उस लड़की की गलती थी पूरी। फिर यान नीचे आके देखता है यूनियर और ब्रदर टैंक को और अपने मन में बोलता है, यूनियर और ब्रदर टैंक यहाँ पर क्यों है। फिर टैंक यान को बोलता है, यान अभी कुछ ही समय हुआ है, तुमने एक और सुंदर लड़की को अपने घर में बुला लिया। फिर यान बोलता है, ये बहुत ही लंबी कहानी है। फिर यान हल्के से टैंक को बोलता है, तुम लोग यहाँ क्यों हो, यूनियर इतना गुस्से में क्यों है। फिर हुआ फैंग यान को बोलती है, डार्लिंग तुम्हें उठने में इतनी देर क्यों हो गई, क्या मैंने कल रात को तुम्हें ज़्यादा थका दिया क्या। फिर यान बोलता है, ये कब हुआ था। फिर यूनियर गुस्से से यान की ओर आती है और टिकट से मारती है और बोलती है, तुम साउथर्न यूनियन अकेले जाओ। फिर यान उस कागज़ को देखता है और वो बोलता है, प्लेन टिकट। फिर टैंग यान को बोलता है, यूनियर आई थी तुम्हें प्लेन टिकट देने और तुम्हें याद दिलाने के लिए कि हमें साउथर्न यूनियन जाना है। फिर दूसरी लड़की तुम्हारे घर में दिखाई देती है, इसलिए यूनियर इतने गुस्से में है। फिर यान अपने मन में सोचता है, ओ नो, यूनियर को गलत फहमी हो गई है। फिर यान दौड़ते हुए यूनियर के पास जाते हुए बोलता है, यूनियर रुक जाओ। फिर टैंक पीछे से बोलता है, हे मुझे भी साउथर्न यूनियन ले जाओ तुम्हारे साथ। फिर यान यूनियर को बोलता है, यूनियर मेरे लिए रुक जाओ, उस लड़के और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है यूनियर, मैं उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरी बहन को बचाई थी, मेरी भरोसा करो यूनियर। फिर यूनियर यान से बोलती है, तुम सही हो कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। फिर यान यूनियर को बोलता है, मैं एकदम सही हूँ, मैंने जो कुछ बोला उसका हर एक वर्ड सही है, अगर मैंने झूठ बोला तो मैं मर जाऊँगा। फिर यूनियर यान को बोलती है, ठीक है मैं इस बार भरोसा करती हूँ तुम पर। फिर यान यूनियर को बोलता है, ये बहुत ही अच्छा हो गया यूनियर, मुझे पता था तुम मुझ पर भरोसा करोगी। फिर अचानक से कोई बोलता है, यान बेबी। फिर यूनियर बोलती है, ये आवाज़। फिर हुआ फैंग यान को बोलता है, बेब तुमने क्यों नहीं बोला, तुमने रात को मुझे मसाज दिया था, तुम अभी तक वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर आओ। फिर यान अपने मन में बोलता है, उफ अब तो मैं गया। फिर यान गुस्से से हुआ फैंग को बोलता है, कुछ भी, मैंने कब तुम्हें मसाज दिया था। फिर हुआ फैंग यान को बोलती है, कल रात को,
तुम बेशरम की तरह मेरी खिड़की में चिपके हुए थे और तुम मुझसे भीख मांग रहे थे कि तुम मुझे मसाज करना चाहते हो, और तुमने बहुत देर तक मसाज किया मुझे। फिर यान गुस्से से हुआ फैंग को बोलता है, मैंने कब तुमसे भीख मांगा मसाज के लिए? मैं कल रात तुम्हारे खिड़की से चिपका था क्योंकि। फिर यान को याद आता है कि पीछे में यूनिर है और वो बोलता है, शिट। फिर यूनिर गुस्से से यान को बोलती है, तुम थड़की कहीं के? तुम रात को खिड़की में क्या कर रहे थे उसके? फिर यान घूमते हुए यूनिर को बोलता है, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ यूनिर। फिर यूनिर यान को मारते हुए बोलती है, समझा सकते हो मेरा पिसवाड़ा? फिर यूनिर वहाँ से गुस्से से जाते हुए बोलती है, तुम ठड़की कहीं के? फिर हुआ फैंग ये सब देखकर बहुत ही हंसने लगती है। फिर यान उठकर बोलता है, धत तेरी की। फिर यान हुआ फैंग को बोलता है, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? फिर हुआ फैंग यान को बोलती है, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, तुम्हें दम है तो मुझे मार के दिखाओ। फिर यान गुस्से से बोलता है, तुम चुड़ैल कहीं की? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? फिर हुआ फैंग बोलती है, तब आ जाओ डरपोक कहीं के। फिर यान बोलता है, मुझे लुभाना बंद करो, मैं नहीं तो मारूंगा तुम्हें, मेरा एक मुक्का तुम्हें मार सकता है। फिर हुआ फैंग बोलती है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ, मुझे डर है कि तुम्हारे पास गोटियाँ नहीं है, डरपोक कहीं के। फिर यान बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बोलता है, अब मैं नहीं रोक सकता। फिर यान बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो सीधा हुआ फैंग की ओर जाता है। फिर हुआ फैंग अपने मन में बोलती है, वो कल से बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुका है। फिर यान हुआ फैंग को बोलता है, बाहर में जाओ तुम अब। फिर हुआ फैंग यान के पंच को ब्लॉक करते हुए अपने मन में बोलता है, ओह नहीं, ये ताकतवर और तेज़ भी है, ये बच्चा कौन है? फिर यान अपने मन में बोलता है, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा बताने के लिए कि तुम कौन हो। और यान उसके ऊपर आके गिर जाता है। फिर यान बोलता है, तुमने इसके लिए बोला था, अब तुम खुश हो?